जी सभी को, आइए मेरे चैनल पे जल्दी। हाँ जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये हरे चने की चटनी। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी हरा चना और ये लहसुन ले लिया है। लहसुन की दो गांठे मैंने ले ली हैं। तो चने की चटनी सीखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना जरूरी है, स्किप नहीं करें वीडियो को, ध्यान से देखते रहे। हाँ जी, और मैंने लहसुन को छील लिया है, ये छिलके हैं। लहसुन को छीलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो छिलका गलता नहीं है अंदर जाके। और चनों को धो लिया है, धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके मिट्टी लगी हुई होती है। और लहसुन हरे प्याज की चटनी बनाने के लिए पहले हम गिनती करनी ज़रूरी होती है, एक, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और 10 मिर्च ले लेंगे इतने चने की चटनी बनाने के लिए। और जिसको अगर मिर्च अलग से रखनी है तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चटनी ले लेंगे, थोड़ी सी निकाल के रखेंगे क्योंकि कल सब्जी में भी डाल देंगे। हाँ, तो आप बने रहिए वीडियो में हरे प्याज की चटनी सीखने के लिए। सॉरी सॉरी, हरे प्याज करके सर्दी पूरी निकल गई है, तो हरे चने की चटनी सीखने के लिए। और अब सबसे पहले हम इसको कूट लेंगे इस तरीके से, मिर्चों को पीस लेंगे। पहले नमक नहीं डाला है, जरा सा नमक ले लेते हैं। हाँ जी, तो इस तरीके से मिर्च जो है वो पीस ली गई है, और थोड़ी सी मिर्ची जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि मिर्ची बहुत ज़्यादा है, ये कल काम में ले लेंगे। और कुंडी में मिर्च बांटने के लिए कुंडी को इस तरीके से पैरों से पकड़ लें ताकि कुंडी इधर उधर खिसके नहीं। अभी मैं एक बार इनमें चने डाल के और फिर आपको पीस के दिखा देती हूँ, उसके बाद में आपन करते हैं बात आगे की। हाँ जी, तो अपनी हरे चने की चटनी जो है वो बन के तैयार हो गई है। देखिए ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके के फनी वीडियोस देखने के लिए आप जल्दी से जल्दी अंजू सांगवान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। आपको जैसे ही मेरे वीडियो डलेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और तुरंत से आप झट से मेरे चैनल को खोल के वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए, लाइक आए तो शेयर कमेंट जरूर जरूर करें। लाइक शेयर कमेंट जरूर जरूर करें।